हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ईवन डिफेंस कोचिंग में। देखिए, मैं यहाँ पे आज आप लोगों को टारगेट बैच का ये पार्ट सिक्स वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट सिक्स वीडियो में हम यहाँ पे क्वेश्चन जो बनाएंगे, यहाँ पे पार्ट सिक्स वीडियो में जो 126 से लेकर के आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं, इस क्वेश्चन को इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले जो है आप लोग को जो टारगेट बैच का पार्ट 1, 2, 3, 4 एंड 5 वीडियो बन चुका है, हर एक वीडियो में आपको 25 क्वेश्चन का हम यहाँ पे कंप्लीट रूप से क्वेश्चन को सॉल्यूशन करा रहे हैं कंसेप्ट वाइज, ठीक है। तो इन सभी वीडियो को जाकर के वहाँ पे उसका लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस चीज़ को जाकर के एक बार जरूर देखिए, जिससे आपको यहाँ पे पार्ट सिक्स वीडियो में जो आगे का हम क्वेश्चन बनाएंगे वो 100% समझ में आएगा, ठीक है। तो उस वीडियो को एक बार जरूर आप जाकर के देखिए और उसके बाद इन चीज़ों को देखते हैं तो आपको इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो 100% बनने लगेगा, क्योंकि उसमें हम जो भी बताए हैं वो सारे वीडियो में कंसेप्ट के साथ उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराते हुए चले हैं, जिससे आप उसको एक बार देख लेते हैं या ये पार्ट सिक्स वीडियो को भी आप देख लेते हैं। इस तरीके से लगातार हम आगे 50 से 60 से जो है वीडियो का हम यहाँ पे टारगेट रखे हैं, जो कंप्लीट एयरफोर्स नेवी और अदर जो आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन चीज़ों के लिए यहाँ पे 50 से 60 वीडियो जो है सिर्फ क्वेश्चन का हम यहाँ पे लेकर के आए हैं, जो आपके एग्जाम में कोई भी एग्जाम हो यहाँ पे। ऐसे तो टारगेट है हमारा एयरफोर्स नेवी का, लेकिन हम जो कंसेप्ट बता रहे हैं इन सभी वीडियो में उसमें आपका कंसेप्ट से कोई भी एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखते चलिए, और जो बाकी के वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए प्लीज उस वीडियो को देखिए और इस कंप्लीट सेशन को आप देखते हुए चलिए, जिससे आपको कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो वो कंप्लीट रूप से समझ में आएगा और बनेगा, ये 100% गारंटी है हमारा, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप लोग को दिखेगा जो स्क्रीन पे 126 नंबर क्वेश्चन, देखिए जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देते हुए चलिए, ऐसे हम क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीट रूप से इसका सॉल्यूशन कंसेप्ट वाइज कराते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 126 नंबर को हम लोग बनाते हैं। देखिए लिखा हुआ है 126 नंबर क्वेश्चन में कि ही डैश टू गो देयर, ठीक है। आप लोग को अभी हम पढ़ाए हैं यहाँ पे 126 नंबर। देखिए जब आपको सेंटेंस में नोट दिखाई दे देगा, जब भी आपको सेंटेंस में नोट दिखाई देगा तो उससे पहले नीड का प्रयोग कीजिएगा या डेयर का, ठीक है। नोट दिखाई देगा तो, अगर यहाँ पे नोट नहीं दिया हो जिस सेंटेंस में, उससे पहले अगर ऑप्शन में नीड और डेयर्स दिया होगा, नीड या नीड्स दिया होगा, तो उसमें नीड्स का प्रयोग कब करेंगे, जब इसमें नोट नहीं रहेगा तब, ठीक है। जब नॉट दिखाई देगा तो नीड का प्रयोग कीजिए, नॉट नहीं दिखाई, नॉट अगर दिखाई देगा तो नीड का, अगर नॉट नहीं दिखाई दिया तो नीड्स का। उसी तरीका से डियर एंड डियर्स का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखिए एक डियर है एक डियर्स है, ठीक है। यहाँ पे डियर है डियर से, ठीक है। तो डियर से बाद में अगर नॉट रहेगा तो डियर का प्रयोग कीजिएगा, अगर नॉट नहीं रहेगा तो डियर नॉट नहीं रहेगा तो डियर्स का प्रयोग कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 126 में वही क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है 126 नंबर में कि ही डैश टू गो देयर, तो डैश के बाद नॉट नहीं दिया है तो यहाँ पे डियर्स का प्रयोग कर लीजिए, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे डियर्स का प्रयोग करेंगे, डियर का नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो वर्ड होगा डियर्स आएगा। चलिए 127 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या होगा। 127 में लिखा गया कि ही डैश टू गो देयर, इसमें नीड या नीड्स, तो देखिए इसमें भी नॉट आगे नहीं दिया है, नॉट अगर देता तो नीड का प्रयोग करते हैं, लेकिन नॉट नहीं दिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, नीड्स हो जाएगा, ठीक है, नीड्स करना उचित होगा। चलिए 128 क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे 128 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ कि द स्टूडेंट्स लिखा है हु आर प्लेइंग देयर डैश माइक डिसिप्लिन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ें जो हैं अभी हम पढ़े हैं हु वाला कंसेप्ट, ठीक है। हु जो है, हु से पहले जो हमारा सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट नंबर वन जो होता है, अगर ये सब्जेक्ट जो होगा या कोई पर्सन हो जो यहाँ पे, अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो आगे जो लेगा वर्ब, ये जो हो सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो आगे जो वर्ब लेगा ये कैसा वर्ब लेगा जी, तो ये प्लूरल
प्लूरल वर्ब लेगा। तो हु से पहले, अब हु जो होता है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है या ये रिलेटिव कंजंक्शन का भी काम करता है। हु अपने बाद कभी डू डज डिड का प्रयोग नहीं करता है, ये दो सेंटेंस क्लोज फ्रेज को जोड़ता है। और हु से पहले जो जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आगे हमारा वर्ब का चुनाव होता है। चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आपका प्लूरल सब्जेक्ट है ना जी, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो आगे देखिए आर का प्रयोग किया गया है, हु आर प्लेइंग देयर माई, तो डैश के बाद यहाँ पे जो है आर हो जाएगा, आर माई डिसिप्लिन, ठीक है। तो यहाँ पे आर का प्रयोग कीजिए, इज का नहीं। चलिए 129 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, लिखा गया है 129 नंबर में कि यू एंड आई, तो देखिए जब आपको सेंटेंस में एंड का कंसेप्ट हम बता रहे हैं, एंड से पहले अगर सब्जेक्ट नंबर वन रहेगा हमारा और एंड के बाद जो है सब्जेक्ट नंबर टू रहेगा, ये सब्जेक्ट नंबर वन अगर प्लूरल है और सब्जेक्ट नंबर टू आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर प्लूरल मिल करके भी आपका क्या बनाएगा, प्लूरल। तो आगे जो वर्ब लेंगे ये कैसा वर्ब लेगा जी, प्लूरल। ये सिंगुलर हो या प्लूरल हो, या एक सिंगुलर एक प्लूरल हो तो भी आपका प्लूरल वर्ब का ही चुनाव करना होगा, ठीक है, जब ये चीज़ें एंड से जुड़ी हुई होंगी तब। तो यहाँ पे इसके लिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे तो प्लूरल वर्ब हम देख लेते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे आर का प्रयोग करेंगे, 129 नंबर में आर आएगा। 130 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक्स डज नॉट एन इजी सब्जेक्ट, ठीक है। तो आप लोग को हम बताए थे जो फर्स्ट वीडियो में ही बताए थे कि जब भी हम लोग का सेंटेंस के शुरू में अगर सब्जेक्ट दे देता है तो वो सब्जेक्ट अपने आप में दिखता है प्लूरल, लेकिन उसके साथ वर्ब का जो प्रयोग करेंगे वो सिंगुलर वर्ब आता है। जैसे सब्जेक्ट दे दे, हाइट दे दे, वेट दे दे, रेट दे दे, डिस्टेंस दे दे, तो इन सभी के साथ जो है हमारा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना होता है। तो इकोनॉमिक्स के साथ हमारा यहाँ पे इज का प्रयोग करेंगे, आर का नहीं, जो सिंगुलर होगा, ठीक है। 131 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, लिखा हुआ कि द फ्लोइंग डैश द लिस्ट ऑफ द बुक्स, ठीक है। तो यहाँ पे द फ्लोइंग के साथ इज आएगा, ठीक है। आगे जो 132 नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, लिखा हुआ है कि द वेल्स इच, तो यहाँ पे इच अगर अंदर है तो इसके लिए जो है आप लोग को प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे हैव होगा, ठीक है। 133 नंबर क्वेश्चन हम लोग दिया गया है, स्क्रीन पर बनाइए इस चीज़ को, लिखा हुआ कि द डाफ फोल्डिस, तो यहाँ पे इसके साथ जो है ना ये सिंगुलर वर्ब लेता है तो इसके लिए हम हैज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। हैज का प्रयोग होगा, हैव का नहीं, ठीक है। इसके बाद 134 नंबर क्वेश्चन में 10 किलोमीटर्स ऑफ शुगर लिखा है, 10 किलोग्राम्स लिखा है, ठीक है। 134 नंबर में देखिए 10 किलोग्राम्स, अब ऑफ एक प्रीपोजिशन होता है और प्रीपोजिशन से पहले लिखा गया है 10 किलोग्राम्स, तो 10 किलोग्राम हमारा कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर जैसा है, ठीक है। तो ये ऑफ प्रीपोजिशन अपने बात तो ऑब्जेक्ट लेता है, तो इस 10 किलोग्राम्स के अकॉर्डिंग हमारा कैसा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। 10 किलोग्राम्स जो है बोलने में लगता है प्लूरल, लेकिन वर्ब जो लेता है वो सिंगुलर लेता है, सिंगुलर सब्जेक्ट का काम भी करता है, तो उसके लिए हम इज का प्रयोग करेंगे, आर का नहीं, यानी 134 नंबर में इज हो जाएगा, ठीक है। चलिए 134 के बाद हम क्वेश्चन को आगे देखते हैं। 135 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिया गया है, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जवाब देते चलिए। 135 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ कि मुकुल विथ हिज ब्रदर डैश शॉट डेड, ठीक है। तो जब भी विथ आपको दे देता है प्रीपोजिशन कंसेप्ट, देखिए विथ जब देगा ना तो विथ एक प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन अपने बाद क्या करता है, ऑब्जेक्ट का चुनाव करता है। तो प्रीपोजिशन से पहले हमारा सब्जेक्ट जो होता है, अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो आगे जो वर्ब लेगा कैसा वर्ब लेगा जी, सिंगुलर वर्ब। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो आगे जो वर्ब लेगा कैसा वर्ब लेगा जी, तो ये प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है। तो विथ से पहले जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही वर्ब का चुनाव किया जाएगा। तो 135 नंबर में जो हमारा यहां पे आएगा मुकुल के अकॉर्डिंग यहां पे वाज आएगा, क्या आएगा जी, वाज का प्रयोग करेंगे, वर्ड का नहीं। 136 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ कि सम पीपुल जब भी आपको दे देगा ना तो ये अपने लिए सम अपने लिए आगे जो वर्ब लेता है ये प्लूरल वर्ब लेता है, ठीक है, प्लूरल वर्ब लेता है। तो यहाँ पे जो 136 में प्लूरल होगा तो यहाँ पे लाइक का प्रयोग कीजिए, किसका प्रयोग करेंगे, लाइक का। 137 नंबर क्वेश्चन आगे दिया गया है, इसको हम लोग बनाते हैं, लिखा है कि ए पार्सल ऑफ बुक, ठीक है। तो ये
तो ये अपना प्रीपोजिशन से पहले ये पर्सन लिखा है तो ये अपने लिए सिंगुलर वर्ब लेता है, जैसे ग्रुप ऑफ एडिल ऑफ ए टीम ऑफ ए सेटअप होता है वैसे ही ये वर्ड है, तो इसके लिए हमारा सिंगुलर वर्ब आएगा। तो इस 137 नंबर में हम हैज का प्रयोग करेंगे, हैव का नहीं। 138 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, लिखा गया कि द रेस्ट ऑफ द बुक डैश नॉट फिनिश, ठीक है। तो द रेस्ट ऑफ एक प्रीपोजिशन है, अभी हम बता रहे हैं इसमें भी प्रीपोजिशन का ही कंसेप्ट था। प्रीपोजिशन जो है ये अपने बाद जो लेता है ये ऑब्जेक्ट लेता है, तो प्रीपोजिशन से पहले हमारा सब्जेक्ट जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके लिए वर्ब भी हमारा कैसा आएगा, तो सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का चुनाव कर लेंगे, तो 138 नंबर में जो है आपका सिंगुलर वर्ब आएगा, तो इज का प्रयोग करेंगे, आर का नहीं। 138 में इज आएगा, ठीक है। 139 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं, लिखा गया है 139 नंबर में कि द स्टूडेंट ऑफ बिहार, ठीक है, द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार लिखा है, ठीक है। तो ऑफ अभी हम बताएं कि ऑफ एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन अपने बाद जो है ऑब्जेक्ट का चुनाव करता है, तो ऑफ से पहले यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट दिया गया है, द स्टूडेंट्स लिखा गया है, ठीक है। तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके लिए जो वर्ब आएगा कैसा वर्ब आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 139 नंबर में प्लूरल वर्ब का चुनाव कीजिए, तो यहाँ पे जो आएगा आर का प्रयोग करेंगे, इज का नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम जो भी क्वेश्चन को एनालिसिस कर रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं, उसमें आप लोगों को कंसेप्ट भी बताते हुए चल रहे हैं, जिससे आपके एग्जाम में अगर कोई भी कंपटीशन का एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे एयरफोर्स हो, नेवी हो, एसएससी में जैसे सीजीएल हो, सीपीओ, सीडीएस हो, बैंक हो, उन सभी में कंसेप्ट आपका यही रहेगा, ठीक है। कंसेप्ट जो है यही पूछे जाते हैं, उसमें यही होता है कि ईरर बना देता है, इसमें आपको एयरफोर्स में आपको फिलर से क्वेश्चन करता है, उसमें इसी चीज़ को कॉमन ईरर के माध्यम से क्वेश्चन को पूछा जाता है, तो कंसेप्ट आपको लगभग यही रहते हैं। तो इन चीज़ों को आप जब देख रहे हैं तो इसको कॉपी कलम लेकर बैठे और इन चीज़ों को प्रयास कीजिए नोट करने का, ठीक है। अगर इस चीज़ को नोट कर लेते हैं तो इस पर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ रहा है तो 100% वो क्वेश्चन बनने लगेंगे, इसलिए इन सभी कंसेप्ट को आप एक एक करके लिखते हुए चलिए, जिससे आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है इस पर रिलेटेड तो 100% बनेगा। और हम यहाँ पर जो टारगेट बैच लेकर के आए हैं इसमें कंप्लीट 50 से 60 वीडियो लगभग ये बनेगा, जो सॉल्यूशन का कंप्लीट सॉल्यूशन हम यहाँ पे जो करा रहे हैं, ठीक है। तो प्रत्येक चैप्टर में इसी तरीका से कंसेप्ट को बताते हुए उन चीज़ों को समझाते हुए चलेंगे, तो पूरे कंप्लीट इस मैराथन को देख लेते हैं, इन सभी सॉल्यूशन को देख लेते हैं, इस सभी सेशन को देख लेते हैं, तो 100% गारंटी है कि आपको एयरफोर्स नेवी के साथ अगर अदर कोई भी कंपटीशन की तैयारी करें तो उसमें भी रिजल्ट होगा, ये 100% गारंटी है। चलिए आगे देखते हैं, 140 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आगे लिखा गया 140 नंबर क्वेश्चन में, देखिए लिखा गया 140 नंबर क्वेश्चन में कि द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर, ठीक है। इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर, ये एंड से जुड़ा हुआ है, तो एंड से जुड़ा हुआ है तो पहले के साथ यानी पहले सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट नंबर वन के साथ आपको आर्टिकल द चिपकाया गया है, ठीक है, मतलब लगा है, और टाइटल टू के साथ या सब्जेक्ट नंबर टू के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगा है, तो द यहाँ पे कलेक्टर लिखा गया है या मजिस्ट्रेट है जो भी है, ठीक है। तो इसके लिए हमारा जो वर्ब आएगा ये सिंगुलर वर्ब आएगा। देखिए क्वेश्चन में लिखा गया कि द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर डैश प्रेजेंट इन द मीटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे वॉज का प्रयोग कीजिए, यहाँ पे वॉज आएगा, ठीक है, इसके लिए आएगा, इसके लिए हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। 141 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, 141 नंबर क्वेश्चन में लिखा है ऑल एंड वाटर, ठीक है। तो ऑल एंड वाटर के साथ ये एंड से जुड़ी हुई है, ठीक है, अनकंटेबल नाउन के साथ जुड़ी हुई है, तो ये भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, अनकंटेबल नाउन है, तो ये सिंगुलर और सिंगुलर सिंगुलर मिल करके ये प्लूरल बना लेते हैं, तो ये प्लूरल वर्ब का चुनाव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 141 में जो होगा यहाँ पे डू का प्रयोग कीजिएगा, यहाँ पे सॉरी, ठीक है, 141 में जो है ऑल एंड वाटर डू नॉट मिक्स, ठीक है, तो यहाँ पे डू हो जाएगा, डोज का प्रयोग मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए 100 यहाँ पे इसके बाद 142 नंबर क्वेश्चन में लिखे हैं हार्मर एंड सिक्स, ठीक है, डैश देयर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये वर्ड इसके लिए हम जो आएगा 142 नंबर में जो क्वेश्चन आएगा इसके लिए सिंगुलर वर्ब का चुनाव करना होगा, जो आपको आंसर हो जाएगा यहाँ पे 100 सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, हाँ, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वॉज का, ठीक है। चलिए 143 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या होगा, लिखा हुआ कि द यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, तो द यूनाइटेड स्टेट के बाद डैश ए बिग आर्मी है लिखा हुआ है ना, तो ये अपने
आप में सिंगुलर वर्ब लेगा तो यहाँ पे हैज का प्रयोग करेंगे, हैव करना है, ठीक है। चलिए 144 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि गुलिवर्स ट्रेवल्स, ठीक है, डैश ए फेमस से, तो यहाँ पे इसके लिए जो है यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगा। 145 नंबर में सिंगुलर वर्ब आएगा तो यहाँ पे इज का प्रयोग करेंगे, आर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन जो है 144 तक क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर पाए जो फिलर के हैं, ठीक है। 144 तक क्वेश्चन को यहाँ पे हम कंप्लीट कर पाए जो आपके एग्जाम के लिए ये फिलर के क्वेश्चन है। इसके बाद हम इस पर जो लूसिन के जो क्वेश्चन है फिलर का भी पूरा कंप्लीट क्वेश्चन को कंप्लीट कराए हैं। इसके बाद कॉमन एरर के जो जो क्वेश्चन है उन सभी को भी हम इसके बाद वाले वीडियो में लेकर के आएंगे, ठीक है। उन सभी कॉमन एरर के क्वेश्चन को भी इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग उन सभी क्वेश्चन को सोल्यूशन कराएंगे। तो अगर आप चैनल पे नए व्यूवर्स हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे इस वीडियो का लिंक जो है इसका नोटिफिकेशन जो है आप तक टाइम पर पहुँचे और इस वीडियो के माध्यम से बेहतर रूप से तैयारी कर सकें। और देखिए हमारा जो कोचिंग जो है एवन डिफेंस कोचिंग, इसका ऑफलाइन क्लास चलता है। अगर आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, बेहतर रूप से तैयारी करना चाहते हैं तो इस कोचिंग से जुड़ करके यहाँ से बेहतर रूप से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे सभी टीचर अलग अलग रूप में अपना अलग अलग टीचर जो है अपना नोट्स प्रोवाइड करके पढ़ाते हैं और टेस्ट सीरीज भी आप लोग को ऑफलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो आप इस कोचिंग से जुड़ कर बेहतर रूप से तैयारी कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।